कोरोना की वजह से कृषि माल की यातायात करने वाले ट्रक चालकों ने किराए भाड़े में वृद्धि करने की वजह से अहमदनगर के किसानों ने अपने प्याज एसटी बस से मुंबई बाजार समिति में बिक्री के लिए भेजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीटीवी न्यूज। राज्य में कोरोना का प्रादुर्भाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसलिए राज्य सरकार ने कोरोना का धोखा कम करने के लिए विविध निर्णय लिए हैं, जैसे कि सामान्य प्रतिबंधात्मक उपाय, वैयक्तिक स्वच्छता का पालन करें, 20 सेकंड के बाद साबुन से हाथ धोएं, खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखें, बीमारी या सर्दी खांसी होने वाले लोगों से दूर रहें, कच्चे और न पकाए मांस न खाएं, फ्रेश गर्म और पचने में हल्के भोजन का सेवन करें, ऋतु अनुसार सब्जियों का आहार में समावेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीटीवी न्यूज। निसर्ग चक्री तूफान की वजह से मानसून को ब्रेक लग गया था, लेकिन अब यह निसर्ग चक्री तूफान थम गया है। इस वजह से बंगाल के उपसागर में कम दबाव के क्षेत्र निर्माण हो रहे हैं, इससे मानसून के लिए सही वातावरण तैयार हो रहा है। बुधवार को मानसून गोवा और कोकण में दाखिल होगा, ऐसा हवामान विभाग ने बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीटीवी न्यूज। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े मुंबई के विविध व्यवसाय कार्यालय शॉप धीरे धीरे शुरू होने लगे हैं, लेकिन रेलवे और मेट्रो पर की पाबंदी, बेस्ट फेरियों की कमी, रिक्शा टैक्सी की कम संख्या, इस वजह से कामकाज के लिए घर से बाहर निकले प्राइवेट सरकारी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीटीवी न्यूज़।